बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जयपुर में बनी गांधी वाटिका का आज से शुभारंभ हो गया है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आगमन के लिए समय निर्धारित किया गया है। गांधी वाटिका इस समय खुली रहेगी। अक्टूबर महीने में सरकार की ओर से इसको निशुल्क रखा गया है। गांधी वाटिका में गांधी के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को दिखाया गया है। पर्यटक और आमजन भी इस दौरान गांधी वाटिका पहुंचे और गांधी के जीवन के कई पहलुओं के बारे में जानकारी ली है। क्या है गांधी वाटिका में खास, मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। किया मैंने गांधी जी के बारे में, यही नहीं कि पूरे भारत का इतिहास समेटे हुए है। कैसे डच, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज यहाँ आए दक्षिण भारत में, गुजरात में कैसे व्यापार के केंद्र थे, बम्बई, गुजरात, दक्षिण का मालाबार, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी कैसे दक्षिण अफ्रीका से, उनको कैसे इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि मुझे अब आगे करना क्या है। उनके साथ जो दुर्घटना हुई थे, ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे से उनको बाहर फेंका गया सामान से, फर्स्ट क्लास कोच वान ने भी उनको उसमें नहीं बैठने दिया फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बाद भी। फिर उन्होंने सोचा मैं ये सब तो सहन नहीं करूँगा, न किसी को करने दूंगा, तो वो रात को सोए बड़ी विचलन के साथ, सुबह उठे तो गांधी जी थे। और इसी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत का रुख किया, वहीं उन्होंने अपना परिधान बदल दिया। गांधी जी के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं। गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कैसे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए, कैसे अफ्रीका में उनको निकाला गया ट्रेन से, और उनके साथ जो भी भेदभाव हुए वो यहाँ पे इंडिया में आके उन्होंने काफ़ी चीज़ों में वो किया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी वाटिका म्यूज़ियम जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रहालय के अंदर गांधी जी के जीवन की पूरी झांकी लाइट और साउंड के माध्यम से दर्शाई गई है। कई शॉर्ट फिल्म्स हैं जो आपने देखी होगी क्योंकि आप अंदर गैलरीज में जा चुके हैं। गांधी जी का बचपन, गांधी जी की टीनेज की अवस्था, गांधी जी का युवापन, गांधी और कस्तूरबा के संबंध, इसके अलावा गांधी जी का लोकमान्य तिलक के साथ मित्रता और उनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जैसे उनके भाई जी से कैसे संबंध थे और भाई अगर कई दिन चिट्ठी नहीं लिखते थे तो वो नाराज होकर उनको चिट्ठी लिखते थे कि आपका पत्र जो है अब तक प्राप्त नहीं हुआ। राजधानी जयपुर में बनी गांधी वाटिका और गांधी वाटिका का शुभारंभ गांधी जयंती के मौके पर ही हुआ है। 2 अक्टूबर को आज से इस गांधी वाटिका का शुभारंभ किया गया है। इस वाटिका के अंदर खासतौर से अगर देखा जाए तो गांधी जी के जीवन से जुड़े तमाम जो पहलू हैं, बाल्यकाल हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी भूमिका यहाँ पर रही हो, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से गांधी जी का जीवन था, उस जीवन के अंदर उस जंग को कितनी बेहतर तरीके से और अच्छी तरह से उस जंग को वहाँ पर लड़ा गया था, इसके लिए कौन कौन उनके साथ थे और इस मुहिम में, इस कड़ी में इस तरह से वो आंदोलन के प्रेरणा के तौर पर आगे बढ़े। तमाम जो आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चोरी चोरा आंदोलन हो, जैसे बात कर दिया, और खासतौर से इन आंदोलनों को इस वाटिका के अंदर जो कि गांधी दर्शन म्यूजिक कहा जा सकता है, उन गांधी जी के जीवन को एक पूरी तरह से दिखाया हुआ है। इसमें बखूबी दिखाया गया है, खासतौर से अभी जो स्वच्छता अभियान का यहाँ पर मुहिम चल रही है, जिसमें खासतौर से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में 2 अक्टूबर को, तो आज से ठीक 10 साल पहले स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। ये भी एक तरह से गांधी के जीवन से ही प्रेरणा ली गई थी और हमने देखा भी है गांधी जी के जीवन का जो उनसे जुड़ा हुआ चश्मा जो है उसको भी आज के स्वच्छता अभियान के तहत दिखाया जा रहा है। कड़ी जो थी वो आज के इस दौर में भी कहने को देखा जा सकता है। उसके बाद में ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलू हैं,
तमाम क्षण जिनको दिखाया गया है किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया और उस यात्रा शुरू करने के साथ साथ जब भी जेल रहे या फिर आंदोलन के रूप में उन्होंने आगाज महसूस किया तो किस तरह से आंदोलन को देखा गया, तो ये यहाँ पर जो है युवा जो यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर जो भी नागरिक यहाँ पर पहुँचेगा ये देख सकेगा कि किस तरह से गांधी जी के जीवन जो उसको यहाँ पर आने लाइक गांधी वाटिका आए हो, जानते हो गांधी जी के उनके जीवन के बारे में पता किया आपने, क्या देखा आपने? हमने यहाँ पे देखा, बोलो बोलो, हमने यहाँ पे देखा कि उनकी सामने लाइफ कैसी थी, उनके उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए इंडिया के फ्रीडम के लिए। छोटी सी बालिका है या वाटिका यहाँ पर पहुँची है, जिस तरह से इस वाटिका को दिखाया गया क्योंकि बच्चे हैं उन्हीं के लिए आज ये पहला दिन है और इस पहले दिन के तो लोग कम जरूर है फिर भी सुबह से लेके 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये जो गांधी वाटिका है यहाँ पर लोग दर्शन कर सकेंगे, अगर उनके जीवन को जो है वो समझ सकेंगे कि जिस तरह से गांधी जी का जीवन था और उनके जीवन की पूरी जो यात्रा है उनका जो बचपन है दक्षिण अफ्रीका की जो यात्रा किस तरह से रही थी उन तमाम पहलुओं को यहाँ पर इस वाटिका में आकर इस म्यूजियम में आकर गांधी जी को पूरी तरह से जाना जा सकता है। मकसद भी सरकार का यही रहा होगा कि गांधी जी के जीवन को लेकर आम व्यक्ति को बताना है तो आम व्यक्ति को किस माध्यम से बताया जा सकता है, इस कड़ी के अंदर ये जो गांधी वाटिका है काफ़ी अहम भूमिका है निभाएगी। खासतौर से सरकार ने इस अक्टूबर महीने के अंदर पूरी तरह से इसको निःशुल्क रखा है, सुबह 10 से लेकर 5:00 बजे तक कोई भी पर्यटक आके यहाँ पर गांधी जी के जीवन के बारे में आ सकता है, समझ सकता है और देख सकता है। सहयोगी मनोहर रेवस्य के साथ अनिल सेन, जयपुर।